दमोह जिला जेल में 150 से अधिक कैदियों की आंखें लाल हो गई और लाल आंखें लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई। यानी वह लोग जो जेल परिसर में रहते हैं, कैदी हैं, बंदी हैं और साथ में वह लोग जो यहां पर तैनात हैं ड्यूटी पे, सबको परेशानी बनने लगी इन आंखों को लेकर। आंखें जो लाल थी, लोग जो परेशान थे और इनकी आंखें लाल ना हो, लाल आंखें वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएं जो प्राकृतिक आंखें होती हैं, इसके लिए डॉक्टर राकेश राय ने जाकर सबकी आंखों की जांच की। जांच करने के उपरांत उन्होंने सलाह भी दी, दवाएं भी दी। ज्ञात हो कि पूरे प्रदेश ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी, भारत के अनेक क्षेत्रों में इस समय आई फ्लू जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं तो वह फैला हुआ है। ज्यादा हो सकती है, नाम बोलो दादा। जिला जेल परिसर में आज एक कैंप लगाया गया, कंजक्टिवाइटिस एक बीमारी जबरदस्त फैली हुई है, क्या स्थिति दिखाई दी? जिला जेल अधीक्षक महोदय का से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ लोग बीमारी हुई आँख से संबंधित, उस समय हम लोग यहाँ परीक्षण करने आए हैं तो कई हम लोगों ने 100 मरीज का परीक्षण कर लिया। 100 मरीज को आँख लाल पाई गई, किसी को आँख लाल है, किसी को कीचड़ आ रहा, किसी आँख चुभ रही है, किसी को मतलब पेन हो रहा, आँख में दर्द हो रहा, ऑलमोस्ट सबका कनेक्टेड है। कनेक्टेड जो बाहर कनेक्टेड जो फैल रही ना, भी उससे बीमारी पाई गई। उसमें पाया गया कि जो कुछ लोग मरीज जो कुछ बाहर से आए परिजन ने उनके यहाँ पर, तो उनके माध्यम से बीमारी फैल गई है। तो हमने सावधानी बरतने बोला भी है कि आप बार बार हाथ तो धोइए और कोई टावल वगैरह है रूमाल कॉमन शेयर ना करिए और अपना खुद का रूमाल उपयोग करिए और कुंड पानी से आपको धोइए और थोड़े से एक दूसरे कम से कम 2 फीट दूरी बना के रखें जिससे कि संक्रमण ना फैल पाए। और मैंने सर से ही निवेदन किया है कि यदि मान सेपरेट करने की व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे एक बार लोगों को संक्रमित ना हो पाए और जो ठीक ठाक मरीज हैं उनको उनसे दूर रखें उनको, जिससे पूरे परिसर में बीमारी न फैल पाए। और दूसरा सैनिटाइजर का उपयोग करें बार बार यदि मान लो कोई दिक्कत ज़्यादा जा रही तो, और गर्म पानी से कुनकुने पानी से आपको धोएं। जिला जेल में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, क्या है मामला जी? कुछ अभी जैसे कि बाहर ये आई फ्लू फैला हुआ है कंजक्टिव वायरस, तो कुछ बंदी बाहर से जो आए हैं उनके कारण अंदर में इसका फैलाव हो गया है और करीबन ये फैलाव 8 हफ्ते से है। तो हमने तत्काल जिला अस्पताल को एक चिट्ठी लिखी थी कि हमें ये आई फ्लू से बचने के लिए थोड़ा एक शिविर लगाया जाए जिसमें बंदियों को इससे लाभ हो सके, तो उसी उद्देश्य से शिविर आयोजित हुआ है जिसमें डॉक्टर राकेश राय और उनकी टीम उपस्थित हुई, बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और सभी बंदियों को करीबन 125 बंदी इसमें विकसित पाए गए, सभी को ड्राफ्ट दिए गए हैं और सावधानी किस तरह से बरतना चाहिए वो भी सभी को समझाया गया है कि हाथ और हाथ साफ रखें, अपने तावेल साफ रखें, ठंडे पानी से धोएं आँखों को, ज़्यादातर गर्म पानी से हाथों को धोएं, इस तरह से सावधानियाँ बरतें।